अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मौजू है पोर्टुलाका की कटिंग कैसे लगाते हैं। तो इसको लगाने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से स्टेम कटिंग करेंगे कि मेरे पास एक प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसकी कटिंग जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे इस पर उतने ही फ्रेश फ्लावर आएंगे। और सेकंड तरीका इसका प्रोपेगेशन का है वाटर में। आप इसकी कटिंग वाटर के अंदर लगा दें, उसमें रूट्स निकल आएंगी चंद दिनों में, वो आप फिर दोबारा लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग्स। आज मेरा इरादा है इनको इस फ्रेम में लगाने का। मैं कोशिश करूंगा कि गमले की आउटर बाउंड्री से जितनी भी कटिंग्स हैं उनको निकाल लूँ। स्टेम आप खुद देख लीजिएगा, जो स्टेम इस तरह की है उसे वैसे ही प्रून कर दीजिए। लग तो सकती है लेकिन हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब एंड हो रही है, इसे ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास ये कटिंग है, इसको आप दो बनाना चाहें दो बना सकते हैं। हम इसको टू पोर्शन में डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसके साथ कि इसके निचले ये तकरीबन दो से तीन लीव्स जो हैं वो रिमूव कर देने। ताकि यहाँ से रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़मीन नरम है, इसमें लगाते हैं। इसमें मैंने पहले एक और फ्लावर लगाया हुआ था, उसका मुझे नाम नहीं आता, लोकल नेम कैंटल से मिलता जुलता है उसका नाम।
और ये कंप्लीट हो गई हैं। अब पानी लगाने का वक्त है। हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे अभी। आई थिंक शायद कुछ जगह भी रह गई होगी, हालांकि मैंने काफ़ी देख के लगाया, लेकिन आई थिंक ये रह गई जगह। एक गमले के अंदर से अब आप ये देखें कि हमें 50 मोर प्लांट्स मिल चुके हैं। बहुत अच्छी ग्रोइंग है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जब तक ये फ्लावरिंग कंडीशन में आएंगे तो मैं आपको लोगों को ज़रूर इसका एक व्यू दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।